नमस्कार दोस्तों, इस वाले वीडियो में एके सिंह साहब हमें ये बताएंगे कि भाई ये ए बी सी सेल्स क्या होते हैं और मॉड्यूल सिलेक्शन के वक्त आपको क्या क्या देखना होता है, और साथ ही में ये ईएल टेस्ट क्या होता है और ये जो वारंटी टर्म्स कंडीशंस, जो परफॉर्मेंस वारंटी और जो प्रोडक्ट वारंटी होती है उसके बारे में भी और इन्फॉर्मेशन देंगे। आशा करता हूँ कि आपने ये पहला वाला वीडियो देख लिया होगा जहाँ पे उन्होंने टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स जैसे कि मोनोपर्क क्या होता है, कट सेल्स क्या होता है और बाईफेशियल पैनल्स क्या होते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे भी देखिएगा, क्योंकि इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद आपके मन में जो भी मॉड्यूल से रिलेटेड शंका होगी वो 100% क्लियर हो जाएगी। और हाँ, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इन वीडियोस में जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं वो आपको समझ आता है तो आप इसे प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर कर दें। क्या है कि इन्फॉर्मेशन उनके भी किसी काम आ सकती है। और यहाँ पे बेसिकली जो भी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं वो आपके बेसिक्स और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा कि क्वालिफिकेशन, नॉलेज और एक्सपीरियंस इसकी भी कीमत होती है। और ये जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और ट्रेंड सेटर्स लोगों को मैं इस चैनल के ऊपर लाता हूँ, आप उनके वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और एके सिंह साहब जो हमें समझा रहे हैं मॉड्यूल्स के बारे में वो समझ लेते हैं। जी अच्छा सर, अब ये सब तो हो गई कि भाई अब हमको ये तो पता चल गया कि भाई मोनो पर्क क्या होता है और कट सेल्स में उसका फ़ायदा क्या है और ये जो बाईफेशियल है ये इसका फ़ायदा क्या है। आज की डेट में सर ये आपने भी सुना होगा सर कि ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी ये बहुत परेशानी का सबब हो रखा है। सर इसको ज़रा अच्छी तरह समझा देंगे कि भाई ये ए कैटेगरी, बी कैटेगरी या सी कैटेगरी क्या है और एज ए एंड कस्टमर आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए इस इन मॉड्यूल्स को खरीदते वक्त। सर इसके लिए हम लोग जो है ना अपना लास्ट स्क्रीन जो है वो आपको मॉड्यूल सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें जाते हैं, उसमें आप देखेंगे बेसिकली है ना हमें क्या क्या पैरामीटर्स है जिस पे ध्यान रखना है ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ द पैनल्स। अभी जो आपने बात करी इसमें हम थोड़ा डिटेल जाएंगे। पहले जो आपने बताया कि ए बी सी, जनरली पहले जो हुआ करता था कि कौन से सेल यूज हो रहे हैं, ए कैटेगरी सेल, बी कैटेगरी सेल या बी माइनस है या सी कैटेगरी सेल, तो ये पहले वैसे डिफाइन हुआ करते थे। अब क्या हो रहा है कि लोग टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री के इसमें जा रहे हैं और सिलेक्शन क्राइटेरिया में उसमें कन्फ्यूज भी हो रहा है। अभी उन आम कॉमन लोगों को, कॉमन सिस्टम इंटीग्रेटर्स को या डेवलपर्स को टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री, हाँ एक सही है कि हाँ टीयर वन किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस और कैपेसिटी को दर्शाता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी टर्नओवर क्या है, उसको डिफाइन करता है। अब उस कैटेगरी में कुछ कंपनियाँ आती हैं टॉप 10, टॉप 20 या कंपनियाँ वर्ल्ड वाइड जो आती हैं उनकी बैकग्राउंड 25 साल 20 साल से ये बिजनेस में है, इसके वजह से भी है, उनकी रीच के वजह से है। तो ये एक क्राइटेरिया टीयर वन, टीयर टू और टीयर थ्री वाली जो है ये सिलेक्शन क्राइटेरिया एक तो है, इसको डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लोग पास्ट जो इतने सालों से काम कर रहे हैं सोलर में तो उसकी एग्जिस्टेंस के वजह से तो एक प्रिफरेंस बनती है। फिर भी जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, अब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन द सेंस की ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग लाइन, पहले 2010 के पहले, 2012 के पहले जिस ढंग से मॉड्यूल बनते थे, आज 2014-15-16 और अभी आप लेटेस्ट देखें 2019-20 में, तो इसके जो मॉड्यूल बनने की प्रोसेस है उसमें जो टेस्टिंग पैरामीटर्स है ये बहुत सारे चेंजेज आए हैं। तो टीयर वन, टीयर टू सिलेक्शन क्राइटेरिया एक हो सकता है, बट उसके अलावा जो आज के डेट में जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज, फुल्ली ऑटोमेटेड मशीनरी जो होनी चाहिए मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिसमें डिफेक्ट को साइडलाइन करने का लूप होल्स है वो जीरो कर दिया जाए। पहली बात तो ऑटोमेशन लाइन में आपका जो प्रोसेस है सेल सोल्डरिंग से लेकर के इनकैप्सुलेशन से लेकर के इस बीच में ईयर टेस्टिंग प्रोसेस है, इवन फिनिश गुड का फ्रेमिंग करने का जो तरीका है, फ्रेमिंग में मॉड्यूल्स जो है हुक फिट नहीं होनी चाहिए, फुल्ली ऑटोमेटेड होनी चाहिए जिससे माइक्रो क्रैक प्रोसेस में डेवलप नहीं होने चाहिए। आप लेमिनेशन के पहले ईएल टेस्ट करते हैं बट फ्रेमिंग के बाद, फिनिशिंग करने के बाद, हैंडलिंग करने के बाद जब स्टैगिंग करते हैं, जब पैकिंग करते हैं, उस दौरान उसके बीच में भी जो क्रैक डेवलप होता है या कुछ प्रॉब्लम होता है उसकी भी टेस्टिंग आप करते हैं नहीं करते हैं, ये प्रैक्टिस 2014-12 के पहले बहुत ही कम था। आज के डेट में
लेमिनेशन के पहले ईएल टेस्टिंग होता है और लेमिनेशन के बाद भी ईएल टेस्टिंग होने के बाद पैकिंग होता है, जो कि कस्टमर को आश्वस्त करता है, सिक्योर करता है कि ये पैनल बिल्कुल सही पैरामीटर, टेस्टिंग पैरामीटर से पास ऑन गुजरा हुआ है और सिक्योर अच्छा पैनल मिल रहा है। तो ये क्राइटेरिया है, कुछ क्राइटेरिया मैं बताऊंगा। जी बताएं जी। तो अब ये इसमें फिर ये जो एबीसी कैटेगरी है सर, वो कैसे क्लियर होगा? हाँ जी, अब एबीसी क्राइटेरिया तो इतना माइन्यूट है, जैसे कि सेल को देख करके जो उसमें यूज है, ए ग्रेड सेल है, सेल उसमें यूज हुआ है या बी ग्रेड सेल है। तो ये चीज एक आम, एक कॉमन चीज हम बता सकते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल पे कोई डॉट्स ना हो, सेल पे कोई विजुअल क्रैक्स ना हो, चिपिंग ना हो, तो वो ए और बी प्लस कैटेगरी में आते हैं। इवन बी प्लस कैटेगरी में या बी कैटेगरी में कुछ कलर डिफरेंसेस आते हैं, बट सी कैटेगरी जनरली बड़े पैनल्स में यूज ही नहीं होता, क्योंकि वो क्रैक्स होते हैं, चिपिंग होते हैं, जो कि या माइक्रो क्रैक्स होता है, जो कि कट करके शायद वो छोटे मॉड्यूल्स में चल जाए, बड़े मॉड्यूल्स में वो चलने लायक नहीं होता। तो ए और बी कैटेगरी में तो ये पास हो जाती है। फिर भी जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो हमेशा ए ग्रेड वाली सेल, अब ए ग्रेड सेल वाली जैसे हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि सेल जो है विजुअल डिफेक्ट सेल में नहीं होना चाहिए। बाकी ऑटोमेशन लाइन में जो टेस्टिंग पैरामीटर्स है, स्ट्रिंग के टाइम पे ही सेल में उसके कैमराज लगे हुए रहते हैं। आज के डेट में हम लोग की कंपनी में जो स्ट्रिंगर है वो जर्मन स्ट्रिंगर जो है ना, टिम टेक्निक का है। तो TT2100 का जो सोल्डरिंग मशीन है उसमें जब सेल हम रखते हैं, सेल तो सैम्पलिंग टेस्ट होता है, उसके बाद जब सोल्डरिंग के पहले जब हम सेल का कार्टेज डालते हैं तो ईच एंड एवरी सेल वो कैमरा से टेस्ट होता है, फोटो लिया जाता है, और उसके बाद जो सॉफ्टवेयर है उसमें वो 26 पैरामीटर्स है, उससे मोर देन दैट वो पैरामीटर से उस सेल को गुजरना पड़ता है कि ये सब डिफेक्ट्स है या नहीं, भले वो कलर डिफेक्ट्स हो या कोई वेरिएशन उसमें हो, कहीं चिपिंग्स हो और कोई क्रैक्स, कुछ प्रॉब्लम डिफेक्ट हो, वो पैरामीटर से पास होने के बाद ही वो सोल्डरिंग में जाता है, तब जाके वो लेमिनेशन में होता है। तो ये जो पैरामीटर से इस टाइप की जो सोल्डरिंग मशीन होनी चाहिए वो आपको एश्योर करते हैं कि आप ए ग्रेड मॉड्यूल्स यूज कर। मोटा मोटी अपने जितने भी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ए बी कैटेगरी, ए बी सी कैटेगरी के जो सेल्स है, जैसा सर ने हमको बताया, उसमें कई चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं। बेसिकली जैसा यूनिफॉर्म डायमेंशन होता है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेल्स एकदम बराबर दिखने चाहिए, कोई कलर वेरिएशन नहीं होना चाहिए, बस बार भी आपको एकदम बराबर दिखना चाहिए, उसमें कहीं कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर आप बैकशीट देखेंगे तो वहाँ पे कोई बबल्स नहीं होना चाहिए, और ये जो सेल की अलाइनमेंट होती है वो भी एक स्ट्रेट हो, इससे पता लगता है कि भाई वो जो काम किया गया है वो फुल्ली ऑटोमेटेड लाइन पे किया हुआ है। और उसके साथ आप उन जो आपसे जिससे सिस्टम ले रहे हैं या आप जिनसे मॉड्यूल खरीद रहे हैं उनसे उनका ये जो मॉड्यूल्स का एक टेस्ट सर्टिफिकेट जनरेट होता है, वो हर मॉड्यूल का अपना एक टेस्ट सर्टिफिकेट होता है, आप उससे उस पर्टिकुलर मॉड्यूल का टेस्ट सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं। एम आई राइट सर? जी बिल्कुल, सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी है, बिकॉज की सर्टिफिकेट मॉड्यूल को लैब में जो जिस ढंग से, जिस पैरामीटर से टेस्टिंग होता है, वो टेस्ट होने के बाद ही सर्टिफिकेट इशू होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है जो हम डिफाइन, हमने डिक्लेयर किया हुआ है 335 वॉट पीक का, वो लैब स्टैंडर्ड में 335 वॉट पीक जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें कोई लीकेजेस वगैरह तो नहीं है, वो प्रोसेस में जो इलेक्ट्रिकल डाटा कहीं पे भी जो हम जंक्शन यूज़ कर रहे हैं या बाकी फ्रेमिंग यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे हम वोल्टेज या करेंट लॉस तो नहीं हो रहा है, लीकेज तो नहीं हो रहा है, ये लैब में टेस्ट होता है और उसके बाद सर्टिफिकेट इशू होता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम सर्टिफाइड मॉड्यूल्स ही लें, और सर्टिफाइड जैसे IEC 61.15 है, बाद में BIS, अभी उसके ऊपर BIS इंडियन स्टैंडर्ड जो BIS ने ये किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, तो वो BIS सर्टिफिकेट देख करके ही जो कि एश्योर करता है कि ये प्रोडक्ट सर्टिफाइड है, टेस्टेड है और वो फॉलो किया गया है मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कंपनी का एक्सपीरियंस भी देख सकते हैं, भाई वो किस कितने साल से मार्केट में काम कर रही हैं, उनके उन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, और आप उनसे उनके कस्टमर का रेफरेंसेस भी ले सकते हैं अगर आपको कुछ आगे पीछे चेक करना है। तो ये भी चीज़ आपको या तो गूगल पे मिल जाएगी, या आप अगर कस्टमर या आप अपने डीलर से बात करेंगे तो वो भी प्रोवाइड करा देंगे। सर अब मोटा मोटी घूम फिर के बात आती है कि भाई अल्टीमेटली
इतना सब समझने के बाद ये मॉड्यूल्स कितने कीमत में मिलते हैं या कितने कीमत के होते हैं? जी 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 प्राइसिंग अल्टीमेटली क्वालिटी की बात कर ली, बट एक चीज मैं हर लोगों को बोलूंगा कि प्राइसिंग डिफरेंस कंपनी टू कंपनी या वॉल्यूम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, चाहे लो क्वालिटी हो और हाई क्वालिटी में 50 पैसे का फर्क रहता है या 1 रुपया मैक्सिमम। तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट जहाँ पे हम लोग जो है ना 3.5-4 करोड़ पर मेगावाट का खर्चा कर रहे हैं, वहाँ पे पर वॉट जब हम 50 पैसे या 1 रुपये की बात करते हैं तो उसमें क्वालिटी क्राइटेरिया में हम कंप्रोमाइज करते हैं। तो इसके वजह से कभी भी प्राइसिंग क्राइटेरिया, हाँ कोई अगर एग्जीक्यूटेड प्राइस लग रहा है, कोई कोट कर रहा है, तो आप कम से कम 4-5 कंपनियों से जो रिनोन कंपनी है अच्छी कंपनियों से प्राइसिंग ले लें, कंपेयर कर लें, और फिर उसके बाद आप प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। और कोई अगर ड्रास्टिक कम दे रहा है तो क्यों दे रहा है उसका भी बात समझ लें, और उस हिसाब से आप प्राइस के मेथड पे आप मॉड्यूल को सेलेक्ट करें, कंपनियों को सेलेक्ट करें। तो बेसिकली जो मार्केट में मॉड्यूल्स मिलता है आज की डेट में अगर प्राइसिंग बात करें तो 19-20 रुपये में नॉर्मल मॉड्यूल्स मिल जाते हैं। मोनोपर्क का प्राइस 2 रुपये ज़्यादा होता है, 22 रुपये में रिटेल मार्केट में मिल जाते हैं। अगर आपका वॉल्यूम मान लें कि मेगावाट के लिए या 100, 200, 500 किलोवाट का है तो वो 1-2 रुपये से कम हो सकता है। उस हिसाब से आप एक मोटा मोटी जान लें कि मार्केट का रिटेल प्राइस ये है और वॉल्यूम में खरीदेंगे तो 1-2 रुपये हमको कम में मिल जाए, यही आज के डेट में प्राइसिंग का प्रोसीजर है। तो दोस्तों जैसा कि अशोक सर ने हमें बताया कि आज की डेट में प्राइसिंग डिफाइन होता है 3-4 पैरामीटर्स पे। एक तो होता है कि आप किससे मॉड्यूल खरीद रहे हैं, किस क्वालिटी का मॉड्यूल खरीद रहे हैं और कितनी क्वांटिटी का मॉड्यूल खरीद रहे हैं। इनफैक्ट मेरा तो ये भी मानना है कि अगर आपके उधर जो आपका वेंडर है उसके पास वही मॉड्यूल है तो वही उसको आपको बेचेगा, लेकिन आप उसमें जितने भी सर ने पैरामीटर्स बताए आप उसको भी चेक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो अपना मुनाफा के लिए आपको कोई भी मॉड्यूल चिपका दे। तो ये चीज़ आप अपनी तरफ से देखिएगा कि भाई आपको जो मॉड्यूल्स मिल रहा है वो 1 नंबर का हो, आपके तसल्ली के हिसाब से हो। इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक और पॉइंट जोड़ देना चाहूँगा कि क्या है कि मॉड्यूल्स में आप पहले 2 साल के अंदर कोई खासा डिफरेंस नहीं पाएंगे, लेकिन जो तकलीफ जो चालू होती है वो होती है 3rd, 4th, 5th साल के बाद। तो उस तकलीफ़ से बचने के लिए आप आज ही ये जो थोड़ा सा अपनी तकलीफ ले लीजिए और ये थोड़ा सा रिसर्च अपनी तरफ से कर लीजिए कि भाई कौन सा मॉड्यूल है, कौन सा अच्छा है, कहाँ से लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए। इतना अगर आप होमवर्क कर लेंगे, थोड़ा सा तकलीफ आज उठा लेंगे तो आगे आने वाले दिन आपके अच्छे हो सकते हैं। एम आई राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। और एक सर्टिफिकेट जो है जनरली हम लोग इसमें आपको बता दें कि क्या क्या सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है इसमें। तो ये सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि BIS ने IS 14286 जो कि इक्विवेलेंट टू IEC 61215 का है, ये सर्टिफिकेट आप जरूर मांगें। फिर IEC 61730 1 और 2 मांगें। इसके अलावे 2-3 और सर्टिफिकेट्स हैं जो कि कोस्टल एरिया जैसे सॉल्ट मिस टेस्ट है, ये जो IEC 61701 इसका सर्टिफिकेट नंबर है। तो ये सॉल्ट मिस जहाँ कोस्टल एरिया है वहाँ पे इसकी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इफ़ेक्ट जो है सॉल्ट का जो हम एनवायरनमेंट में जो सॉल्ट है वो इफ़ेक्ट करता है मॉड्यूल को, वो इफ़ेक्ट ना करे तो वो डिफेक्ट जो है वो फ्री रहे ये मॉड्यूल और ये सर्टिफाइड हो उस वर्क में उस पोजिशन में काम करने के लिए लायक हो। इसके अलावा PID रेसिस्टेंट है। तो जी सर, मैं वो PID को पहले आप एक्सप्लेन कीजिए सर, फिर PID को बताइए। हाँ जी, इसके अलावा जो है ना PID जो होता है पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। क्या होता है जब मॉड्यूल जो है आप फैक्ट्री से मॉड्यूल लेके जाते हैं, पहली बात तो मॉड्यूल जो है ना लीकेज करंट के लिए टेस्ट होना ही चाहिए। मैं देखता था 2014, अजीत जी आप भी जानते होंगे कि 2014 के पहले ये प्रैक्टिस नहीं थी कि कोई भी जो पोटेंशियोमीटर जो है ना वो टेस्ट करता है। मतलब करंट वोल्टेज जो है लीकेज करंट होता क्या है ड्यूरिंग प्रोसेस वो नहीं होता था। नोवासिस ने ये इंश्योर किया, हमने देखा कि आप ऑनलाइन सन सिमुलेटर में जब आप IV कर उसकी आउटपुट चेक करते हैं उसके बाद उसका वोल्टेज लीकेज चेक करते हैं कि वो वोल्टेज जो लीकेज है कहीं कहीं इवन 0.00% भी कहीं लीकेज तो नहीं है। मेरा ये कहना था कि जो एनकैप्सुलेटेड मटेरियल जो होता है जिसे बैकशीट है ग्लास है
इसके बीच में जो हम करंट ले रहे हैं, करंट जनरेट करके उसको यूज कर रहे हैं, तो वो मटेरियल जो है वो बैड कंडक्टर मटेरियल होना चाहिए, मतलब वो कंडक्शन जो है उसकी नेग्लिजिबल होना चाहिए। इवन ओवर द पीरियड जो वोल्टेज हम यूज करें, जिससे वैसे उसमें ऐसा आयन डेवलप ना हो जो कि वोल्टेज और लीकेज लीक हो, वोल्टेज लीक हो या करंट लीक हो, तो इसको एक तो टेस्ट करते ही है प्रोसेस में, बट ओवर द पीरियड जो हम यूज कर रहे हैं 25 साल तक यूज कर रहे हैं, इस तरह की लॉसेज जो है वो कम हो, तो पोटेंशियल जो इंड्यूस डिग्रेडेशन है, मतलब जो वोल्टेज लीकेज है ड्यू टू फोटोवोल्टिक इफेक्ट, जो लाइट पड़ रहा है प्रोडक्ट पे, तो वो जो है वोल्टेज लीकेज ना हो प्रोसेस में, ये एक सर्टिफिकेट उसके लिए जनरेट होता है लैब में कि ये इन द ओवर द पीरियड जो है उसमें वोल्टेज लीकेज बहुत ही कम होगी, तो ये इंश्योर करता है कि आपका लॉसेस 25 साल जो है मिनिमम डिग्रेडेशन में आउटपुट आपको मॉड्यूल देगा। तो ये भी एक सर्टिफिकेट उस हिसाब से आप कस्टमर से मैन्युफैक्चरर से आप जरूर मांगे, डिमांड करें, जो कि आपकी क्वालिटी को अप्रूव करेगा। अच्छा अशोक सर, आखिरी के एक दो क्वेश्चंस और ले लेता हूँ कि सर ये वारंटी गारंटी क्लॉजेस ये एक बड़ा इशू है, क्या है कि कभी हॉटस्पॉट हो जाता है, कभी कुछ कारणों के कारण है, अल्टीमेटली जब कस्टमर देखता है कि यार ये तो मॉड्यूल हमें 25 साल की गारंटी लिख के दी गई है, तो इसमें ये जो परफॉर्मेंस वारंटी है या प्रोडक्ट वारंटी है इसको ज़रा क्लियर करेंगे सर, ये है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब एक तो स्टैंडर्ड आज सब लोग जान रहे हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड वारंटी क्या है, तीन तरह के वारंटी मैन्युफैक्चरर देते हैं यूजर्स को, एक तो आप कंस्ट्रक्शन वारंटी बोल सकते हैं, दूसरा आप वारंटी फॉर 10 इयर्स जो है कितना आउटपुट मिलने चाहिए, और वारंटी फॉर 25 इयर्स वो आउटपुट कितना मॉड्यूल देनी चाहिए। तो ये जो जो तीन तरह के जो वारंटीज हैं, पहले तो कंस्ट्रक्शन वारंटी भी उतना ही प्ले रोल करता है जो हम बनाते हैं ड्यूरिंग जो प्रोडक्ट बनाते हैं, मॉड्यूल्स बनाते हैं, ये आपको 10 से 12 साल डिफेक्ट फ्री, क्योंकि हम डिफरेंट एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहे हैं, उसमें एल्यूमिनियम में, उसकी फ्रेमिंग में, ग्लासेस में या बैकशीट में, किस तरह की जो है डिफेक्ट वो ना आए, वो डिफेक्ट आएगा तो मॉड्यूल पे अल्टीमेटली वो प्रभाव इफेक्ट आएगा उसका। तो ये कंस्ट्रक्शन वारंटी अगर कोई 10 से 12 साल दे रहा है तो मॉड्यूल परफेक्ट है। इसके अलावा स्टैंडर्ड जो वारंटी परफॉर्मेंस वारंटी बोलते हैं, 10 साल में कम से कम 90% आउटपुट मिलनी ही चाहिए मॉड्यूल से, इसका ध्यान करें। दूसरा 25 ईयर्स में 25 ईयर्स के अंत तक आप ये देखें कि उसमें 20% से ज़्यादा लॉसेस ना हो, उसमें 80% तक आउटपुट आपको मिले, ये देखनी चाहिए और इसकी वारंटी मैन्युफैक्चर ने देनी चाहिए डेवलपर्स और यूजर्स को। सर ये तो हो गई सर पेपर में जो लिखा गया है कि भाई इतने ये वारंटी टर्म्स होता है, एक है प्रोडक्ट वारंटी, एक होता है परफॉर्मेंस वारंटी, नो डाउट अबाउट दिट, ये एक स्टैंडर्ड है जो इंडस्ट्री पूरी तरह फॉलो कर रही है आज ही पूरे सारे। लेकिन अभी क्या होता है कि साइट पे क्या होता है कि कभी कोई फ्रेम में ड्रिल करके अपने हिसाब से मॉड्यूल लगा रहा है, या कभी कभी देखा गया है कि भाई वहाँ पे शैडो के कारण या कुछ एक्सटर्नल मटेरियल के कारण या उसके ऊपर कोई चढ़ गया तो उसे हॉटस्पॉट भी जनरेट हो जाता है और अलग अलग प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो वो कैसे क्या वारंटी टर्म्स में आते हैं? जी जी, इसमें मैं आपको एक चीज़ और आपको आगे एक बताना चाहूँगा कि इसको बोलते हैं सोलर पीवी पैनल मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्ट। अगर आपने सर्टिफिकेट ले लिया, कंपनी देख ली, क्वालिटी इंश्योर हो गए मैन्युफैक्चरर की तरफ से, उसके बाद पैनल्स को कैसे यूज कर रहे हैं साइट पे, ये बहुत ही ज़रूरी है। एक तो पैनल जब हम शिपमेंट करते हैं तो पैलेट्स में प्रॉपर ढंग से रखा हुआ है नहीं है, वो देखनी चाहिए। लोडिंग और अनलोडिंग करते समय प्रॉपर कितने मैन पावर लगनी चाहिए, इसका ध्यान करनी चाहिए, रखनी चाहिए, जिससे कि पैनल में शेकिंग बिल्कुल ना हो। फैक्ट्री में डेलिकेट बिल्कुल केयरफुली पैक किया जाता है, उनको मालूम है, बट ये जानकारी मैन्युफैक्चरर को यूजर्स को भी देनी चाहिए। जैसे हम लोग एक मैनुअल बनाए हुए हैं, बाकी शायद मैन्युफैक्चरर भी बनाए होंगे, तो नोवेसिस ने मैनुअल बनाया कि कैसे पैनल हैंडल करना चाहिए एट द साइट। तो हैंडलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग प्रॉपर ढंग से होना चाहिए, जिससे कि
मॉड्यूल्स में शेकिंग कम हो, मॉड्यूल ज़्यादा हिले नहीं, उसकी जो रखने के तरीके हैं वो ग्लास के फेसिंग में ना हो, तो ये सब देख करके पैनल हैंडलिंग होनी चाहिए यूज़ करते जब हम प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, आपने जैसे बताया कि पैनल्स में बहुत लोग जब होल मैच नहीं हो रहे होते हैं, मिसमैच हो रहे होते हैं, तो पैनल में ड्रिल करके उसको फिर वो बिठाने की कोशिश करते हैं। पैनल में ड्रिलिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है, परमिटेड नहीं है, बिकॉज क्योंकि हम इतना हैंडलिंग कर रहे हैं सेल को बचाने के लिए, तो ड्रिलिंग जब करेंगे ड्यूरिंग ड्रिलिंग वो वाइब्रेशन के वजह से माइक्रो क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं, और माइक्रो क्रैक्स मतलब सेल में अगर थोड़ा भी क्रैक, जिसके वजह से हम ईएल मैन्युफैक्चरिंग में ईएल टेस्टिंग करके आपको एश्योर करते हैं कि कोई माइक्रो क्रैक्स नहीं है, वो अगर साइट में बिकॉज ऑफ ड्रिलिंग, बहुत लोग तो पैनल के ऊपर चलते हैं क्लीनिंग करते समय या फिटिंग करते समय, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये बिल्कुल अवॉइड है, इसको चीज़ हैंडलिंग केयरफुली करें, ड्रिलिंग ना करें, पैनल के ऊपर चले ना, नहीं तो माइक्रो क्रैक डेवलप होगा, और माइक्रो क्रैक डेवलप होने से जो करंट मॉड्यूल जो है आपको जो जनरेट कर रहे हैं वो पावर आउटपुट नहीं मिलेगा, ओवर द पीरियड वो और डेवलप हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा, जिससे आपके प्लांट में आउटपुट मिलना भले 5 साल या 10 साल बाद बिल्कुल बंद भी हो सकते हैं, ये माइक्रो क्रैक्स का ड्रॉबैक है। तो बिल्कुल आप ड्रिलिंग ना करें पैनल्स में, केयरफुली हैंडल करें, उसके ऊपर क्लीनिंग के टाइम पे भी ना चलें, बाहर से ही क्लीन करें, पाथवे बना हुआ है उससे आप पैनल में क्लीनिंग पैनल को क्लीन करें, पैनल पे किसी तरह के इम्पैक्ट ना डालें ड्यूरिंग क्लीनिंग ऑल्सो। तो ये बहुत ही जरूरी है कि पैनल को कैसे हम केयरफुली हैंडल करें, उसका पूरा आउटपुट 25 साल तक ले। जी अजय सर, फ्रेंकली स्पीकिंग ये पॉइंट कई लोगों के मन में था कि भाई वारंटी गारंटी क्लॉज तो है, लेकिन उसके अंदर वो कई लोग मान्य नहीं करते। वो मान्य इसलिए ही नहीं करते क्योंकि उनको मालूम है कि भाई जब उनके फैक्ट्री से ये सामान निकला था उसमें ईएल टेस्ट था और उसमें हमने सब कुछ हमारा इन्फॉर्मेशन है। अब जब ये साइट पे जाता है तो उसके बाद कहीं माइक्रो क्रैक्स आता है या डेवलप होता है मिसहैंडलिंग की वजह से, तो बाय डिफॉल्ट हर मैन्युफैक्चरर वो वारंटी क्लॉज बाइड ही नहीं होता क्योंकि आपने मिसहैंडलिंग की है। मैनुअल साफ साफ लिखा हो कि भाई आपको ऐसे करना है, ऐसे लगाना है, ऐसे इसको साफ रखना है, ऐसे इसकी मेंटेनेंस करनी है, आप वो भी नहीं करेंगे तो आप उसके बाद एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई मैन्युफैक्चरर या मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर आपके उस वारंटी गारंटी टर्म्स को अवॉइड करे, तो ऐसा मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि जो भी हम ए के सिंह साहब ने हमें बताया मॉड्यूल्स के ऊपर क्या क्या नई टेक्नोलॉजी है, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, कट सेल्स कैसे होते हैं, मोनोपार्क सेल में क्या डिफरेंस है और बाइफेशियल पैनल्स का क्या फ़ायदा होता है, ये सब कुछ उन्होंने बताया। इनफैक्ट उन्होंने ये भी हमें बता दिया कि भाई आज की डेट में उसकी प्राइसिंग कैसे होती है और किस किस टाइप से होती है, क्योंकि प्राइसिंग कई चीज़ों पर डिपेंड करती है, वो भी उन्होंने बताया। और साथ में उन्होंने आप लोगों के लिए ये भी बता दिया कि भाई वारंटी टर्म्स क्या होते हैं और उसको कैसे देखा जाता है। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि अगर आपने ये वीडियो पूरी तरह देखा है तो आपके मन में जो मॉड्यूल से लेकर जितनी भी शंकाएं थी वो आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई शंका है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम आपको ज़रूर आंसर करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट ए के सिंह साहब से अगर कोई डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहता है या उनके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहता है तो उनका भी ईमेल एड्रेस, उनकी कंपनी का पूरा डिटेल्स, उनके प्रोडक्ट का पूरा इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आप वहां से जाके भी उनके प्रोडक्ट और उनकी कंपनी के बारे में पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा सकते हैं। तो ए के सिंह साहब, मैं एक और बार आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे चैनल के ऊपर आए और हमारे दर्शकों के साथ इस नया टेक्नोलॉजी के ऊपर और इस पूरे पूरे प्रोडक्ट के ऊपर पूरा जानकारी दी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी।